मित्रों, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कल घोषणा की है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनेक राज्य सरकारों ने भी ऐलान किया है कि उनके राज्य में भर्ती होने वाली पुलिस भर्ती के अंदर जो है अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूँगा कि बिहार सरकार के अंदर पुलिस बल में जो नियुक्ति होती है उसके अंदर अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ आज बिहार के अंदर जो हमारे माननीय विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता, उनके आवास पर जो हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, या माननीय विधायक वारसिलीगंज श्रीमती अरुणा देवी के साथ उनकी गाड़ी को जिससे नुकसान पहुंचाया गया, या नवादा बीजेपी कार्यालय में जो आग लगाई गई, या मधुबनी में जो तोड़फोड़ की गई, मैं आंदोलनकारी छात्रों से अपील करूँगा कि उनके आंदोलन में असामाजिक तत्व तो घुस कर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील है और किसी के बहकावे में ना आए। और केंद्र की सरकार जो हमारे देश के नौजवान हैं उनकी पूरी चिंता कर रही है, और इसलिए 10 लाख लोगों को रोजगार देने का भी भारत सरकार ने 2 दिन पूर्व ही ऐलान किया है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और कहीं भी कोई तोड़फोड़ की घटना नहीं होनी चाहिए। यह सरकारी संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति है, कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए।